इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी, मैं आपके साथ में। हाई सब अपडेट की बात करें तो मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। व्यापम ने पिछले 10 सालों में 1046 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए हैं और केवल 502 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं 404 करोड़ रुपए की एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में जमा की है। यह जानकारी आज विधानसभा में विपक्ष के सवाल पर सरकार की तरफ से दी गई है। दरअसल आज मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने व्यापम परीक्षा और बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाया था, जिस पर तकनीकी शिक्षा मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने लिखित उत्तर में बताया कि पिछले 10 सालों में व्यापम में 1046 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। व्यापम के अलग अलग 5 बैंक खातों में 404 करोड़ रुपए अधिक जमा है। इनमें सबसे ज्यादा फीस पटवारी, पुलिस, जेल प्रहरी और शिक्षक भर्ती में व्यापम को प्राप्त हुई है। वर्ष 2017 में 15 परीक्षा आयोजित थी, इनमें 36,64,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो ये था आप तक का अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।